हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास सेकंड की ईवीएस की वर्कशीट कि किस तरह से आप ईवीएस का टेस्ट देकर बच्चों की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम बच्चों को टेस्ट दे सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेसन में से हम एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, उनको वन वर्ड के आंसर पूछ सकते हैं उनसे। जिस तरह से यहाँ पर है, अनस्क्रैम्बल द लेटर टू गेट मीनिंगफुल वर्ड, इस तरह से हमने यहाँ पर जंबल वर्ड के थ्रू इस सेंटेंस को दिया है, जिससे बच्चे को हिंट भी मिल जाएगा और बच्चे को इसको करेक्ट करके लिखना है। यहाँ पर वी कैन सी आर डैश, मतलब हम अपने क्या देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रैम्बल वर्ड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, एच ए एन डी एस, हैंड्स। इस तरह बच्चे को यहाँ पर इसको चूज करके लिखना है या फाइंड करके लिखना है। द हेड प्रोटेक्ट द, ये क्या है, हेड क्या प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन। The dash lie in the chest, lungs. We must sit and stand straight. Dash and muscles give shape and support to our body, bones. उसके बाद आ जाता है फ्रेंड इस तरह से, सर्कल दो दैट कैन बी ईटन रॉ, उन चीजों को हमें सर्कल करना है, उन थिंग्स को सर्कल करना है जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, रॉ खा सकते हैं। रेडिश, जिसको हम सैलेड के थ्रू खा सकते हैं, रेडिश। हम कैरेट को भी खा सकते हैं, कुकम्बर, अनियन एंड टमाटो। बच्चा इन सबको रीड करके उनको सर्कल करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट एस फॉर क्लॉथ वी वेयर इन समर, जो हम कपड़े समर्स में पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं, उनके लिए एस लिखना है बच्चों को, और डब्ल्यू फॉर विंटर वी वेयर इन क्लोथ विंटर क्लोथ, और डब्ल्यू हमें किसके लिए लिखना है, जो हम कपड़े विंटर्स में पहनते हैं। स्वेटर हम विंटर्स में पहनते हैं तो डब्ल्यू, शॉर्ट्स हम समर में पहनते हैं, मफलर हम विंटर्स में लेते हैं, फ्रॉक समर्स में, वुलन कैप विंटर्स में, वुलन जैकेट विंटर्स में, ग्लव्स विंटर्स में, कॉटन सॉक्स समर में, वुलन सॉक्स विंटर्स में। इस तरह से हमने बच्चों को इस एक्सरसाइज को देना है। उसके बाद हमारा आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर, इसमें से बच्चे को ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं, बच्चे को रीड करके ऑप्शंस को टिक करना है। और डॉक्टर यूजेस दिस टू लिसन टू द हार्ट बीट, हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर क्या यूज करता है, कंप्यूटर, स्टेटोस्कोप, कैमरा, इट्स स्टेटोस्कोप। आर बॉडी हैज डैश बोन्स, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है, 126, 206, 602, 206, हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं बच्चे। मसल्स मेक्स द बॉडी बोन्स हार्ड वीक मूव, मसल मेक्स द बोन्स मूव। द स्टमक लाइज बिलो द चेस्ट ब्रेन हार्ट चेस्ट, द हार्ट थिंग दैट यू फील इन साइड योर फिंगर इज बोन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड इस तरह से कि कलर द क्लाउड ग्रीन फॉर थिंग्स यू विल डू, जो आप चीजें करते हो उसको आपने कौन सा कलर करना है, ग्रीन। फर्स्ट आप बच्चे को ग्रीन कलर दोगे, उसको रीड करने के लिए बोलोगे ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। अगर आपका बच्चा ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर के बाद ब्रश करता है तो वो ग्रीन कलर करेगा यहाँ पर इस तरह से। ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, अगर बच्चा फिल्टर वाटर ड्रिंक करता है तो वो भी यहाँ पर कलर करेगा ग्रीन कलर, क्योंकि जो बच्चा चीजें ये सब करता है उसको उस पर ग्रीन कलर करना है। उसके बाद आ जाता है ईट स्टेल फूड, अगर बच्चा ये करता है तो इस पे ग्रीन कलर करेगा, अगर नहीं करता तो नहीं करेगा। ईट जंक फूड एवरीडे, इसको अगर वो जंक फूड रोज खाता है तो वो ग्रीन कलर करेगा, अगर नहीं करता तो वो रेड कलर करेगा। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, अगर इस बच्चा वॉश करता है तो ग्रीन कलर करेगा, अगर नहीं करता तो वो रेड कलर करेगा। टेक बाथ एवरीडे, नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, इस तरह से ये बच्चों को आप एक्टिविटी दे सकते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है मैचिंग की एक्टिविटी, मैच द कॉलम। हट्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, विलेजेस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बिग सिटीज, स्टिल्ट हाउस, प्लेसेज वेयर इट रेन्स हैविली, जहां पर बहुत तेज बारिश होती है वहां पर स्टिल्ट हाउसेज होते हैं, और बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है वो बिग सिटीज में होती हैं। हाउस बोट, फ्लोटिंग हाउस, टेंट, कैन बी फोल्डेड एंड ईजली कैरिड एनीवेयर, कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द क्लूज एंड आंसर द फॉलोइंग, वी यू वेयर दिस टू स्कूल, आप स्कूल में पहनकर जाते हो उस चीज का क्या नाम है, यूनिफॉर्म। बच्चों को इस तरह से क्लूज देख के बच्चों को वर्ड को फाइंड आउट करना है। यू कीप योर पेंसिल्स इन दिस बॉक्स, पेंसिल आप किस कौन से बॉक्स में रखते हो, पेंसिल बॉक्स, इसी के बीच में हिंट है। यू कैरी दिस टू स्कूल एवरी डे, आप स्कूल में इसको रोज लेके जाते हो, क्या लेके जाते हैं हम, बैग, और हम इसमें स्कूल बैग भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट येस और नो वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, यहाँ पर बच्चे को जो करेक्ट है उसके लिए येस लिखना चाहिए लिखना है, और जो रॉन्ग है उसके लिए नो लिखना है। वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, येस। वी मस्ट रीट आर टीचर, येस। वी मस्ट प्ले क्रिकेट इन द क्लास, नो। वी मस्ट रिमेन क्वाइट इन द लाइब्रेरी, येस।
वी मस्ट थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द डस्टबिन. यस, हमें जो पेपर्स का है डस्टबिन में डालना चाहिए पेपर्स के टुकड़ों को. वी मस्ट टियर पेजेस फ्रॉम बुक्स. नो. तो फ्रेंड इस तरह से हम बच्चों को ईवीएस का टेस्ट दे सकते हैं. मैं इसकी बाकी की शीट्स जो है आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगी. तो प्लीज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.